हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम चित्तौड़ के किले पे रात के 2 ढाई बज रहे हैं रात के, और हम चित्तौड़ का किला एक्सप्लोर करेंगे। आज हम चित्तौड़ के किले के ऊपर जाएंगे। अभी मेरे और दो छोटे कज़न हैं जो कि हम चित्तौड़ के किले पे जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, फिर भी हम आज चित्तौड़ के किले पे जाएंगे ऊपर, और देखिए कि चित्तौड़ के किले का माहौल रात में कैसा होता है। तो हम तीन ही स्कूटी लेके जा रहे थे, तीन ही हम एक ही स्कूटी पे बैठे थे सबसे पहले। और ये हम पहले गेट की तरफ बढ़ते हुए, ये हमारा पहला गेट आ गया था। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ पे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर फिर भी हम चित्तौड़ के किले पे चढ़े थे। अभी रात के लगभग 2 से 2:30 बज रहे हैं। हम जा रहे थे तीन ही स्कूटी पे, और कोई भी नहीं था किले पे, पूरा किला सुनसान पड़ा था। यहाँ पे भी अभी कोई भी नहीं है। नहीं हाँ, तो वापिस जा रहे, कहाँ जा रहे हो? तेरे पापा का घर है किले में। अरे और किसको बताया, पक्का है? ये बोल रहे आधार कार्ड कितना है, कहीं भी नहीं लाया। यहाँ पे हम बातें करते थे कि पुलिस वाले मिल गए, तो ये बात बोलनी है कि हम यहाँ पे ही रहते हैं, हॉस्पिटल से आ रहे, हॉस्पिटल गए थे, और यहाँ पे मजे लेते हुए जा रहे हैं। हम रात में यहाँ पे हम ऊपर जा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, और यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे साइड में एक। अब यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे हम जहाँ पे सेकंड गेट आएगा। यहाँ पे एक लाइट, स्ट्रीट लाइट झप झप कर रही थी, तो मेरा कज़न बहुत बुरा चिल्लाया था, वो भी डरावनी आवाज में। वैसे ये सेकंड गेट है किले का, यहाँ से अपन एंटर हो गए अंदर, और यहाँ पे भी पूरा सुनसान ही लगा था। यहाँ पे कोई भी एक बच्चा नहीं था यहाँ पे, और हम ऐसे ही सीधे सीधे जा रहे थे बिना किसी डर के। यहाँ पे अब तीसरा गेट भी आएगा, जिसके जो कि इस मोड़ाव के बाद है, और ये मोड़ बहुत बेकार है। ये मोड़, इस पर गाड़ी सही भी नहीं चढ़ती है, छोटी मोटी गाड़ियाँ तो दम तोड़ दे। मैं ये तीसरा गेट था, अब चौथा गेट इसी के जस्ट सामने सीधे सीधे जाने पे आएगा, वो सामने दिख रहा होगा आपको चौथा गेट। और ये साइड में जो दीवार है, इस पर पूरा पैदल चलने वाले के लिए पगडंडी अच्छी है, और व्यू भी अच्छा आता है, सीधा नीचे देख सकते हैं इस पर। ये अपने चौथा गेट है, इसका भी मोड़ ऐसे जो अभी गया था वैसे ही है, लेकिन इसके सामने पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अपन, ताकि वो किले का इस गेट के ऊपर भी जाने का रास्ता भी है। ये पांचवा गेट है, और यहाँ पे एक ही कार मिली थी हमें, जो कि इतनी रात में गई हुई थी, बाकी कोई भी कार नहीं मिली थी हमें यहाँ पे। ये हम ऐसे ही जा रहे थे फिर ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए। ये फाइनल गेट आएगा हमारा, इसके बाद हम अंदर चले जाएंगे। ये किले, ये फाइनल गेट है सामने, फिर इसके बाद किला सिटी आ जाएगी, किले की जहाँ पे लोग रहते हैं बहुत सारे। ये सामने आएगा अभी, यहाँ पे घर भी है और होटल वगैरह भी है। ये हम किले के मेन किले में आ गए थे, अब इसके और ऊपर जाएंगे अभी हम। ये गाय बैठी है यहाँ पे, अरे ले ले, अबे तो वहां चले, विजय स्तंभ गया। हमने आगे आगे घूम के आ चला, क्योंकि वहां जंगल है। सूरज बोल तो कतई नहीं है। हाँ, वहां पे तो कतई नहीं जाता, दिल ने मना कर रखा है, वहां पे चले हुए जाना रात को। हाँ,
यहाँ पे ये अपन अब किले की एंट्री में एंट्रेंस एंट्रेंस में आ गए। यहाँ पे टिकट विंडो है और इसके जस्ट सामने एक महल है जो कि रात में तो बहुत डरावना दिख रहा था। अभी कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे, और थोड़ा डर भी लग रहा था इस किले को देख के क्योंकि बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी इस किले को देख के। फिर भी हम हिम्मत करके इससे आगे गए थे। यहाँ से सीधे सीधे जाते हैं अपन तो फिर यहाँ पे एक मोड़ आता है जिसके जस्ट सामने एक म्यूज़ियम होता है जो कि अभी बताया गया आपको। अभी आएगा म्यूज़ियम एक रास्ते में, ये यहाँ पे एक और गेट है, ये गेट पार करने के बाद वो सामने म्यूज़ियम है। फिर यहाँ से राइट हैंड साइड लेते हैं अपन तो फिर इधर अपन ये विजय स्तंभ रोड पे आ जाते हैं किले के। फिर यहाँ से हम सीधे सीधे जा रहे थे, अभी आगे जाके एक अपनों को अंकल मिलेंगे, मतलब बूढ़े अंकल, बूढ़े चाचा, बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे। वो उन्हें देख के सच में हम डर गए थे क्योंकि वो आधी रात में 2 बजे घूम रहे थे वो ऐसे। अभी आपको दिखेगी वो। ये पापा का फोन था क्या? अभी आया था स्प्लिट। ये है वो इंसान जिसे देख के हम डर चुके थे, फिर हम आग बहुत डर गए थे, फिर यहाँ पे थोड़ी सी आगे गए, फिर हमारी हिम्मत यूँ ही ज़्यादा आ गया जाने की, इसलिए फिर हम यहाँ से पलट के रिटर्न आ गए थे। थोड़ी आगे और गए थे हम विजय स्तंभ के, हम आगे गए थे फिर वो जो जौहर कुंड है वहाँ तक गए थे हम। यहाँ तक ये जौहर कुंड तक कम गए थे, ये सामने ये जौहर कुंड है, फिर यहाँ से हम पलट चुके थे। अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो पे जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके बाद हम इसके आगे का पार्ट लाएंगे, इसके आगे की वीडियो, वो भी रात में चित्तौड़ के किले के लिए। तो जितना हो जिसको भी इसके आगे का पार्ट का जानना हो वो प्लीज़ कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। और इसके बाद हम नीचे उतर गए थे पूरे किले पे से। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।